नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई छी धनतेरस, आयुर्वेद के पिता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर के कैल जा रहल छन पूजा आराधना। जलवायु संबंधी सबसे वार्ता समय हिमालय के एजेंडा के उच्च प्राथमिकता देवक लेल प्रधानमंत्री कलन अपील और वित्तीय सहयोग के रूपरेखा में सहमत होबाक लेल कलन आह्वान। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता राय बन रहल छथि प्रदेश एक के मुख्यमंत्री। आइए छोट आकार के मंत्रिमंडल बनेबाक गठबंधन के तैयारी। सन 2030 धरि में बन फड़ानी नियंत्रण करबाक विश्व के नेता सब कलन प्रतिबद्धता। विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय के लिए बन फड़ानी नहीं करबाक भेल सहमति। आ इंग्लैंड आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट के सेमीफाइनल में खेलक प्रवेश। श्रीलंका 26 रन से भेल पराजित। आ पूरा समाचार। आइ धनतेरस अर्थात धनवंतरी जयंती छी। आजुक दिन आयुर्वेद के पिता धनवंतरी आ धन के देवता कुबेर के पूजा आराधना कयल जा रहल छन। धनवंतरी आ धन के देवता कुबेर के जन्मदिन के रूप में मनाओल जाय वाला एहि पावनि में सोन या धातु के गौर गहना खरीद करबाक प्रचलन रहल अछि। आजुक दिन खरीद कयल गेल सोन चांदी आ अन्य धातु के सामान टिकाऊ होबाक साथे और संपत्ति अर्जन होबाक आ घर में लक्ष्मी के वास होबाक विश्वास अछि। अधिकांश व्यक्ति आजुक दिन अपना क्षमता अनुसार नवका भाड़ा बर्तन, सोन चांदी तथा अन्य धातु के सामान सब खरीद करे छथि। धनतेरस में चांदी के खरीद कऽ माता लक्ष्मी के अर्पण केला पर धन संपत्ति बढ़बाक जनविश्वास अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा विश्व के नेता सब के हिमाल के विशिष्ट जलवायु जोखिम के पहचान करक लेल आ जलवायु संबंधी सबटा वार्ता सब में हिमालय के एजेंडा के उच्च प्राथमिकता देबाक लेल अपील कयलनि। ग्लासगो जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन COP26 में विश्व के नेता सब के शिखर सम्मेलन के संबोधन करैत प्रधानमंत्री देवबा एहन अपील कयलनि अछि। ओ जलवायु जन्य प्रकोप के कारण बढ़ रहल हानि नुकसानी प्रमुख चिंताक विषय रहल कहैत एहि के वार्ता के एकमात्र एजेंडा बनेबाक लेल आओर वित्तीय सहयोग के रूपरेखा में सहमत होबाक लेल आह्वान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री देवबा COP26 वित्तीय प्राविधिक आ क्षमता अभिवृद्धि के स्रोत सब के वृद्धि कऽ उच्च जोखिम युक्त देश सब के अनुकूलन के लेल पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित करय पड़त बतौलनि। ओ सन 2025 सँ पहिने जलवायु वित्त संबंधी नवका सामूहिक परिमाणबद्ध आ महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लेल स्पष्ट रोड मैप में सहमत होबाक लेल सेहो सब पक्ष सँ अपील कयलनि अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता राजेंद्र राय प्रदेश एक के मुख्यमंत्री बनता। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासे सरकार गठन के आह्वान केलाक नेता राय 49 सांसद के हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री में दावी पेश कयलनि अछि। नेता राय के एकीकृत समाजवादी संगे नेपाली कांग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र आ जनता समाजवादी पार्टी के सांसद के समर्थन रहल अछि। प्रदेश एक में सरकार गठन के लेल दावी पेश करबाक हेतु 47 सांसद के हस्ताक्षर आवश्यक रहैत अछि। सोम दिन दोपहर में मुख्यमंत्री भीम आचार्य राजीनामा देलाक बाद प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी नेपालक संविधान के धारा 168 के 2 बमोजिम सरकार के लेल मंगल दिन दोपहर 1 बजे धरि दावी पेश करक लेल आह्वान केने छला। गठबंधन सरकार के नेतृत्व में दावी पेश भेलाक बाद मंगल दिन दोपहर में शपथ ग्रहण कराओल जतन। मंगल दिन छोट आकार के मंत्रिमंडल बनेबाक गठबंधन के तैयारी अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही पद से राजीनामा देलनि अछि। कांग्रेस प्रदेश सभा दल के नेता जीवन बहादुर शाही संगे के पूर्व सहमति अनुसार मुख्यमंत्री शाही पत्रकार सम्मेलन का राजीनामा देलनि। संबोधनक क्रम में मुख्यमंत्री शाही कानूनी संरचना नहीं रहल कर्णाली प्रदेश में 36N
छ अध्यादेश, 10 नियमावली, 36 कार्यविधि आ 10 निर्देशिका निर्माण कैल गेल बतौलन। संघीयता कार्यान्वयन के क्रम में अपना नेतृत्व के प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक जग रखबाक आ संघीय सरकार संगे के समन्वय में कर्णाली तथा भेरी कॉरिडोर राष्ट्रीय प्रसारण लाइन के योजना आगू बढ़ाओल गेलो कहलन। काल्हि मंत्रिपरिषदक बैसार से राजीनामा देनिहार मुख्यमंत्री शाही बीतल बैसाख 3 गते विश्वास के मत लेला पर 6 महीनाक बाद कांग्रेस के सत्ता हस्तांतरण करबाक सहमति केने छला। मुख्यमंत्री शाही पद से राजीनामा देलाक बाद कांग्रेस प्रदेश सभा दल के नेता जीवन बहादुर शाही के मुख्यमंत्री बनबाक बाट खुला भेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ़ गठबंधन के तोड़बाक षड्यंत्र भऽ रहल बतौलनि अछि। सोमदिन नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन निजामती दशमी दीपावली छठि तथा नेपाल संबत 1112 के अवसर में आयोजना कैल गेल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन तोड़बाक लेल अनेको षड्यंत्र सब भऽ रहल बतौलनि। ओ गठबंधन के तोड़ि कऽ प्रतिक्रियावादी गठबंधन बनेबाक प्रयास कैल जा रहल बतौलनि। गठबंधन भीतर वैचारिक आ राजनीतिक रूप से कमजोर रहल पात्र के प्रयोग करबाक प्रयास भऽ रहल सेहो कहलनि। वैदेशिक शक्ति सब गठबंधन के कमजोर करबाक उपाय के खोजी में लागल सेहो बतौलनि। प्रतिक्रियावादी गठबंधन बनाउने कसरत चलिरहेकै छ। यो गठबंधन भित्र अलिकति कमजोर को छ वैचारिक राजनीतिक रूपले या अन्य राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले त्यसको खोजी भइ नै राखेको छ। वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो पक्ष जसले नेपालको यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन, यो संविधानलाई रुचाएको छैन, ती शक्तिहरू पनि कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायहरूको खोजीमा छन्। अध्यक्ष दाहाल तीनू तह के निर्वाचन एके बेर कैल जा सकैत अछि कि कहिकऽ चर्चा भऽ रहल बतौलनि। तीनू तह के चुनाव जँ एके बेर में कैल जा सकल तँ षड्यंत्र नहीं भऽ सकत कहैत ओ राज्य के आर्थिक बोझ सेहो कम होयत बतौलनि। राज्यलाई कम भार पर्ने, जनतालाई कम दुख हुने भनेको तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, चरण बरु क्षेत्र प्रदेश अनुसार चरण चरण गरेर गर्ने, तीन चरण गर्ने काउन्टिङ चाहिँ एकैचोटि गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै चलखेल षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने, चाहिँ धेरै आर्थिक बोझ पनि राज्यको कम हुने, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने एउटा विचार छ। ओ विगत के सरकार द्वारा रोकल गेल सबटा विधेयक पारित करबाक लेल वर्तमान सरकार काज कऽ रहल सेहो ओ बतौलनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा के मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन मंगल दिन सेहो विरोध प्रदर्शन करबाक तैयारी में अछि। प्रधान न्यायाधीश राणा के राजीनामा के मांग करैत रवि दिन से आंदोलन में उतरल न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकील सब मंगल दिन सेहो विरोध प्रदर्शन करबाक तैयारी में अछि। प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमन नाथ ठुंगाना संपूर्ण कानून व्यवसाय सभक दबाव के प्रधान न्यायाधीश के कोनो न कोनो हिसाब से निकास देबय पड़तन बतौलनि। ओ राजनीतिक दल सब अदालत के स्वतंत्रता ऊपर हस्तक्षेप केनाई उचित नहीं होयत कहत पाछू हट गेल आरोप सेहो लगौलनि। देश के परिस्थिति एही अवस्था में आबि गेलाक बादो राजनीतिक दल सब न्यायाधीश के बहुमत के अनसुना केलक बतौलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना राजनीतिक पार्टी सब निरपेक्ष भक आ अनसुना भक जँ बैसत राजनीति के दल सब दिस आंदोलन लक्षित होयत बतौलनि। तर त्यो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो, तर यत्रो चाहिँ नि जनमत, यत्रो वकील को मत, यत्रो न्यायाधीशहरु को बहिष्कारलाई पनि उहाँहरुले अनसुनी गर्न मिल्दैन, उहाँहरुले त्यहाँ गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हस्तक्षेप नगरी निकास खोज्ने काम राजनीतिक पार्टी को हो। यदि राजनीतिक पार्टी यसमा चाहिँ निरपेक्ष भएर बस्छ, अझ धेरै दिन अनसुनी गरेर बस्छ भने यो आन्दोलन पार्टीहरूतिर लक्षित हुन्छ, किनभने पार्टीहरू गैर जिम्मेदार भए। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल प्रधान न्यायाधीश अपन इजलासमे पेशी नै रखनाइ नीक शुरुआत भेल बतौलनि। ओ बार प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा के मांग कऽ चुकला कारण आब पाछू नै हटत बतौलनि। नेपाल बारले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो र आज सम्मान्य ज्यूले आफ्नो इजलास पेशी राख्नु भएको छैन,
यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। होइन, हामी ब्याक गर्दैनौँ, हामीले राजीनामा मागेका छौँ र हामी यतिन्जेल चाहिँ हामी एउटा सहज वातावरणको निम्ति सहज वातावरणमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरेका छौँ। उपाध्यक्ष बस्याल प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देलाक बाद न्यायपालिकाके सुधारके लेल बारद्वारा बनाओल गेल एजेन्डा सब ल क न्यायपालिकाके सुधार करक लेल निष्ठापूर्वक लाग बतौलन। आर्थिक समाचार आर्थिक समाचारक संग हुलास भए अरु किन खोज्ने। देशभर सूचना महामार्ग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार के परियोजना अंतर्गत हाल धरि 1013 किलोमीटर क्षेत्र में फाइबर जटान संपन्न भ चुकल दूरसंचार प्राधिकरण जनौलक। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण दू वर्ष भीतर में महामार्ग विस्तार भ जात कहत शुरू कैल गेल योजना अंतर्गत आसिन मशान धरि में 46.53% मात्र जडान संपन्न भेल। पहिल खंड अंतर्गत प्रदेश नंबर 1, 2 आ बागमती प्रदेश में फाइबर ओछेबाक जिम्मा देल गेल नेपाल टेलीकॉम फाइबर जडान कार्य संपन्न केलक। समझौता अनुसार टेलीकॉम के 3 प्रदेश में 2083 किलोमीटर फाइबर ओछाब पड़त, जाहि में से टेलीकॉम 5 वर्ष में 1013 किलोमीटर फाइबर ओछा चुकल। प्राधिकरण मध्य पहाड़ी लोकमार्ग के 6235 किलोमीटर क्षेत्र में फाइबर ओछेबाक योजना के 3 खंड में विभाजन क 3 अलगे अलग कंपनी के जिम्मा देलक छल। 3 खंड सब में से 1 खंड में विस्तार के काज संपन्न भ गेल अछि, मुदा 2 खंड के काज शुरू नहि भ सकल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन COP26 में विश्व के नेता सभक एक समूह सन 2030 धरि में वन जंगल नष्ट नियंत्रण करबाक प्रतिबद्धता करबाक तैयारी में छथि। ओ सब मंगल दिन सन 2030 धरि में वन फटानी रोकबाक संबंधी सहमति में हस्ताक्षर करतन। जारी COP26 में होब जा रहल ई पहिल प्रमुख सहमति के रूप में देखल गेल अछि। एहि प्रकार से वन जंगल नष्ट नियंत्रण के लेल तीव्र रूप में कटान भ रहल अमेजन रेन फॉरेस्ट रहल ब्राजील सेहो सहमति में हस्ताक्षर करत। कार्बन डाइऑक्साइड कटौती के लेल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आयल वृक्ष सब काटल गेल अवस्था में जलवायु परिवर्तन में सेहो सहयोग भेटैत अछि। समझौता में वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाक लेल आओर वित्तीय लगानी के शपथ समेत ग्रहण कयल जायत। विश्व के वन क्षेत्र के 85% से बेसी क्षेत्र में फैलल 100 से बेसी देश वन जंगल नष्ट नियंत्रण संबंधी सहमति में हस्ताक्षर करबाक तैयारी केने अछि। तहिना 28 देश विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय के लेल वन जंगल नष्ट नहि करबाक सहमति सेहो करत। खाद्यान्न उत्पादन तथा पशु के लेल चरण क्षेत्र बनेबाक लेल वन नष्ट करैत आबि रहल अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लैंड आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। शारजाह में सोम दिन रात में संपन्न भेल खेल में श्रीलंका के 26 रन से पराजित करैत इंग्लैंड सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। इंग्लैंड द्वारा देल गेल 164 रन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल श्रीलंका 19 ओवर में ऑल आउट होइत 137 रन मात्र बनाव सकल छल। एहि से पहिने बैटिंग करने हार इंग्लैंड 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 163 रन बनौलक छल। जीत संगे समूह एक में रहल इंग्लैंड 4 खेल में 8 अंक जोड़लक अछि। समूह के शीर्ष स्थान में रहल इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुँचवला पहिल टीम समेत बनल अछि। अपराजित रहल इंग्लैंड एक खेल से पहिने सेमीफाइनल में स्थान बनौलक अछि। तहिना श्रीलंका के ई तेसर हार छी। श्रीलंका 4 खेल में 2 अंक जोड़ैत 4 स्थान में रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आइ छी धनतेरस। आयुर्वेद के पिता धनवंतरी आ धन के देवता कुबेर के कयल जा रहल छनि पूजा आराधना।
जलवायु संबंधी सबटा वार्ता सब हिमालय के एजेंडा के उच्च प्राथमिकता देवक लेल प्रधानमंत्री कलन अपील और वित्तीय सहयोग के रूपरेखा में सहमत होबाक लेल कलन आह्वान। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता राय बनि रहल छत प्रदेश एक के मुख्यमंत्री, आइए छोट आकार के मंत्रिमंडल बनेबा गठबंधन के तैयारी। सन 2030 धरि में वन खड़ानी नियंत्रण करवाक विश्व के नेता सब के लाइन प्रतिबद्धता, विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय के लिए वन खड़ानी ने करवाक भेल सहमति। आ इंग्लैंड आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में कला प्रवेश, श्रीलंका 26 रन सब भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पेड़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।